गुलबर्गा शहर में रिश्वतखोरों के पाप का घड़ा भर चुका है। हर आए दिन एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो टीम रिश्वतखोरों का पर्दाफाश करते आ रही है। कुछ दिन पहले एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने कॉरपोरेशन कमिश्नर को रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और दोबारा अब एसीबी टीम ने 9 जून को ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल भीमा नायक को रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल जनता दल सेकुलर कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल माजिद मुस्तफ़ा से कांस्टेबल भीमा नायक ने 1,00,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। माजिद मुस्तफ़ा ने बताया, कुछ दिनों से एक सिविल मैटर यानी जमीन के केस में दो लोगों में नाराजगी चल रही थी। मसला ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन में पहुंचा तो सिविल मैटर में कांस्टेबल भीमा नायक अब्दुल माजिद मुस्तफ़ा से 1,00,000 रुपया रिश्वत मांग रहा था। जेडीएल स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल माजिद मुस्तफ़ा ने एंटी करप्शन ब्यूरो टीम से मुलाकात कर तमाम तफसीलात बताई और एसीबी टीम ने रंगे हाथों कांस्टेबल भीमा नायक को गिरफ्तार करने का प्लान तैयार किया और रेलवे स्टेशन के अपोजिट डायमंड होटल के सामने एसीबी टीम ने कांस्टेबल भीमा नायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मैं अब्दुल मजीद मुस्तफ़ा, जेडीएस स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सेक्रेटरी। मेरा एक सिविल मैटर था वहाँ पे, मेरा और किसी प्राइवेट पार्टी का। तो वहाँ पे भीमा नायक बोल के कांस्टेबल मुझे बुलाया, वहाँ पे ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन बुलाने के बाद 10,00,000 का डिमांड करे मुझे। मैं बोला नहीं, वो सिविल मैटर है, आप कोर्ट को भेजो, आप क्यों ये कर रहे इसको। तो ऐसी तकरार चली अप्रैल से मई तक चला। वो मैं फिर बुलाए मुझे, बुला के मेरे से 10,00,000 रुपये एक पे प्लेन पेपर पे लिख लिए, आप देना बोल के। मैं बोला ठीक है, आपकी मर्जी, लिख लो आप बोल के फिर मैं चले गया। उसके बाद फिर मुझे जून में 8 तारीख को फ़ोन किया उन्होंने, 1,00,000 रुपये देना मुझे, वो सबको देना है मेरे को। तो मैं बोला 1,00,000 तो नहीं होता मेरे से, 60,000 लीजिए, फिर वक्त अब 30 है मेरे पास, एक दो दिन में आके ले जाओ बोल के। फिर मैं उनसे बात किया तो उन्होंने आए मेरे पास, होटल डायमंड बोल के रेलवे स्टेशन के अपोजिट में है, वहाँ पे चाय वगैरह पिए, चाय पी के बाहर आए। बाहर आने के बाद मुझे गाड़ी के पास ले जा के पैसे लेके अपने डिक्की में रख लिए उन्होंने। उतने में एंटी करप्शन एसीपी वगैरह वहाँ आके उनको पकड़ के वो अपने ऑफिस ले जाके वो केस करके उनको जेल भेज दिया गया है। इस इंक्वायरी के दौरान आप कैसा रुजू हुए एसीपी ऑफिस से, किस तरह से आप वहाँ से आपको डायरेक्शन मिला, क्या आपने रोल इसके अंदर अदा किया है? हाँ, मैं को बेजार आ गया था वहाँ पे, बार बार मेरे को फ़ोन आ रहा था इनका भीमा नायक पीसी का ब्रह्मपुर। तो मैं परेशान हो गया, पैसे दो बोल के बहुत किरकिरी कर रहा था उन्हें, फ़ोनों पे बहुत ही मेरे को टॉर्चर कर रहा था। तो मेरे जहन में आया, मैं खुद चले गया जाके अप्लीकेशन ले के। तो रेड्डी साहब, एसीपी साहब मुझे बिठा के बड़ा इतना से समझा के, ठीक है आप उसका रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी है हमारे को दीजिए, हमारे पास का भी रिकॉर्डर लीजिए, वो बात पूरा हो कंप्लीट करे उन्होंने। 1-8 दिन लगा हो इस मामले में। उसके बाद में एक जाल बिछाया उन्होंने पूरा अपना, अपने डिपार्टमेंट का, आप जाइए 30,000 लेके, आप उन लेने के बाद हमको डायरेक्शन दीजिए, हम आके आपको उसको अरेस्ट कर लेते। तो बाहर होटल के बाहर हम चाय वगैरह पी के वो 30,000 दिए उसको, 2,000 के नोट उसके हाथ में देने के बाद उन्होंने लेके अपनी गाड़ी की डिक्की में रख लिए। फिर उन्होंने जाने के इसमें थे, आके उसको अरेस्ट करके उसको ऑफिस ले जाके इंक्वायरी करे वो लोग। उसके बाद नेक्स्ट डे 10 तारीख की सुबह जेल भेज दिए। आप जो डिपार्टमेंट एसीपी जो है यहाँ पे, वही चाहते हैं कि अवेयरनेस आना लोगों में, डरना नहीं लोग, ये इसको ये रिश्वत को ख़त्म करना है तो आवाम भी इसमें सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। डर के देने की ज़रूरत नहीं किसी को पैसे वगैरह, अवेयरनेस आना लोगों में, ये नहीं तो ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही परेशान होंगे लोग, और वो लोग ऐसे ही करते रहेंगे, उसको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसी बात नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट भी अच्छे लोग हैं, वो लोग बहुत सपोर्ट करे मुझे, बहुत ही क्या हर चीज़ से मेरे को इत्मीनान दिला के वो ये केस को सक्सेस करे। लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि रिश्वत मत दीजिए आप,
कुछ भी रहा तो आप किसी से रुजू कीजिए, मेरे से भी रुजू कर सकते हैं आप, अगर आप ये ऐसे मसले आए तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल आपके साथ सपोर्ट करूँगा।